एवरीवन, आई एम अनन्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महीने में पीरियड्स दो बार आने का कारण और आप क्या कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है। ये सारे इंक्वायरीज हर वीमेन के अंदर रहती है जिन्होंने ये प्रॉब्लम में सफर करती है, तो उनके लिए है आज ये मेरे वीडियो। आपको अच्छे लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके हिसाब से जिनके साथ शेयर करना जरूरी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो पीरियड्स महीने में दो बार आने का कारण तो बहुत सारे है। पीरियड्स महीने में आपको दो बार आ रही है तो थोड़ा सा टेंशन का बात ये है, क्योंकि पीरियड्स को लेकर ही हम वीमेन इनके बॉडी का सब कुछ है, उनके साथ ही सब कुछ जुड़े रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम करती है, ये इरेगुलर होती है, इरेगुलरिटीज के साथ चले आती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है और हम टेंशन भी करते हैं। तो इस टेंशन के वजह से ही, इस तनाव के वजह से भी और भी ज्यादा ये गड़बड़ कर देती है। मतलब मेन कारण होती है टेंशन। आप ज्यादा टेंशन लेती हो फैमिली के कारण से, या आपके कुछ पर्सनल मैटर भी हो सकती है, आपके कुछ रिलेशन के थ्रू या फैमिली के थ्रू आप कोई भी टेंशन ले रहे हो तो हार्मोन चेंजेस होती रहती है। वीमेन के बॉडी के साथ हर टाइम हार्मोन चेंजेस होती रहती है, तो उसके कारण भी महीने में दो बार पीरियड्स आ सकती है। और तो मेन है हार्मोनल इंबैलेंस। हार्मोनल इंबैलेंस आपके साथ होती है तो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, यानी महीने में दो बार पीरियड्स आना, तो हार्मोनल इंबैलेंस का मेन ही सिम्टम होती है ये महीने में दो बार पीरियड्स आना। तो इसका कारण हो सकती है आप पहले कुछ एवर्शन, यानी जैसे मेडिसिन के थ्रू आप एवर्ट किए हो और आप मेडिकल एबॉर्शन किए हो, तो उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है जब एबॉर्शन होती है, मेडिकली एबॉर्शन और पिल के थ्रू एबॉर्शन होती है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हार्मोन इंबैलेंस हो जाती है, ये बहुत सताती है हर लेडीज को, तो उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हर लेडीज को जिन्होंने ये एबॉर्शन करवाती है। थर्ड पॉइंट मैं बोलूंगी, जिन्होंने पिल यूज करती है ना, जो बर्थ कंट्रोल पिल होती है, तो बर्थ कंट्रोल पिल के वजह से भी कभी कभी ऐसा होती है। लेकिन बर्थ कंट्रोल पिल आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार मांझ में यूज करके इसे छोड़ के दूसरा कुछ कंपनी का यूज कर रहे हो तो ये हो सकती है आपके साथ, क्योंकि एक एक जो प्रोडक्ट होती है ना, एक एक कंपनी थ्रू इसका हार्मोन, इसका जो ओवुलेशन चेंजेस, जो हार्मोन इसके अंदर रहती है, ये थोड़ा डिफरेंट रहती है। तो आप जब भी एक छोड़ के एक ले रहे हो या कुछ महीने के बाद जाके आप एक ले रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम करती है। और ये टीन एज में हो सकती है किसी किसी को, और मेनोपॉज आने के टाइम में किसी किसी को हो सकती है। जैसे 14 सालों में पीरियड्स आ जाती है तो उनके बाद 15-16 से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, ऐसा होती है। तो ये एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा होती है किसी किसी को, और जब एंड के टाइम है, मेनोपॉज के टाइम है, तब ऐसा प्रॉब्लम होती है। आप दोनों के अंदर नहीं हो, मिडिल में हो, तो आपके इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इसके वजह से आपको थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं, तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। तब जाके ऐसा हो सकता है कि तनाव के वजह से हो रहा है, या हार्मोनल इंबैलेंस के कारण हो रहा है, या आपके यूटरस के अंदर दूसरा कोई सेल्स ग्रो हो रहा है, तो दूसरा सेल्स, यानी मे बी ये कैंसर सेल्स हो सकती है। तो ऐसा होती है। हर महीने में दो बार पीरियड्स आने के मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपको कैंसर ही हुआ है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कभी कभी कैंसर सेल्स ग्रोथ होने के वजह से ना महीने में पीरियड्स दो बार आ रहे हैं। एक बार जैसे होती है, एक महीने में 15 डेज आफ्टर आपको पीरियड आ रही है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको कई महीने से ऐसे चलते ही आ रहे हैं तो जाके ऐसा हो सकती है। तब आपको इसे बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करनी है, डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट कर लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो लेकिन आपको पता नहीं है, मालूम नहीं पड़ा, तो ऐसे स्पॉटिंग जैसे दिखाई दिया, ऐसा हो सकती है। ऐसा होती है ना कभी कभी, प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी आ गई है, लेकिन वो थोड़ा प्लान माफिक नहीं था, इसीलिए आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके वजह से जैसे जब चिपकती है ना ओवुलेशन के बाद यूटरस में ये व्रून जाके, तब स्पॉटिंग तो होती है, तो ये स्पॉटिंग थोड़ा सा ब्लैक क्लॉटिंग ये होती है। मतलब किसी किसी ने समझ लेती है
कि ये हमारे मायने में दो बार पीरियड्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उसे थोड़ा सा ध्यान में रखो। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बोलना चाहती हूँ, पहले वाले पीरियड्स आपको खुल के नहीं आए हैं, तो आप कुछ होम रेमेडी कर लिए हो, कुछ मेडिसिन आप ले लिए हो, तो उसके वजह से आफ्टर 15 डेज फिर से पीरियड आ गए हैं। तो ऐसा भी हो सकती है पीरियड्स खुल के नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं उसके लिए भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, इधर भी शो कर रहे हैं, इधर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी। कि आपके साथ बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ गई है, बॉडी ज्यादा हीट हो गई है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है उसमें सिग्नल मिल गई है कि अभी आपके टाइम है, ऐसा थोड़ा एब्नॉर्मली हो जाती है कभी कभी, तो किसी किसी के साथ ऐसा होती है और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण से भी मायने में दो बार पीरियड्स आती है। तो ऐसे भी सेम है, जैसे बॉडी हीट हो जाती है और सिग्नल मिल जाती है उनको कि टाइम आ गई है, ऐसे थोड़ा गलत फहमी में एबनॉर्मल हार्मोन हो जाती है, तो उसके बाद में ही पीरियड्स दो बार आने का चांसेस रहता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, आपके साथ ये हर बार हो रहा है, जैसे 6-7 बार मिनिमम आपको होती है ये प्रॉब्लम, तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, डॉक्टर के साथ आपको कंसल्ट कर लेनी है। तो ये सारे कारण होती है पीरियड्स मायने में दो बार आने की। ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, आप क्या कर सकते हो? आप पहले, मैं बोलूंगी, जो बर्थ कंट्रोल पिल है ना, आप मैरिड हो यानी अनमैरिड हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्थ कंट्रोल पिल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बर्थ कंट्रोल पिल 3 मंथ का एक कोर्स रहती है, इसे आप कंप्लीट करो, पहले मेक श्योर करो कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर से जाके पहले कंसल्ट करो, उन्होंने सोचा कि नहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बोल देती है, उसके बाद आके आप इसे पहले मेक श्योर करनी है, उसके बाद आके आप ये बर्थ कंट्रोल पिल ले सकते हो। बर्थ कंट्रोल पिल हार्मोन बैलेंस करने का बहुत ही एक चीप तरीका है, कम खर्च में भी हो जाती है, एकदम चीप एक तरीका है। जैसे बर्थ कंट्रोल पिल 3 पैकेट आपको खरीदना है, एक एक मायने में एक एक पैकेट आपको यूज करनी है। पहले दिन आपकी पीरियड स्टार्ट हो रही है, 5वें दिन जाके ये पिल आपको स्टार्ट करनी है और एक सेशन एंड होने के बाद ही आपको इसे छोड़ देनी है, तब आपको पीरियड आ जाएगी, 5-6 दिन के बाद ही आपके पीरियड्स आ जाएगी। तो ऐसे करते नेक्स्ट 2 पैकेट आपके साथ रहेगी, वो भी आप खत्म कर लो, मायने आपको यूज करनी है, उसके बाद जाके भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करो, आप पहले भी कंसल्ट कर सकते हो। तो ये नॉर्मल, एक सभी नहीं जानते कि बर्थ कंट्रोल पिल के वजह से हार्मोन इंबैलेंस को सही किया जाता है, इसीलिए बेसिस एक नॉलेज है, तो मैं, मेरे एक्सपीरियंस था इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सरल तरीके से चाहते हो ये अनियमित पीरियड्स को रेगुलर करने में, तो आप सौंठ के पाउडर को ऐड करो अपने खाने में, सौंठ पाउडर को, यानी सूखा अदरक, ड्राई जिंजर, ड्राई जिंजर काफी हेल्प करती है ये पीरियड्स को रेगुलर करने में, ये इरेगुलरिटी जो होती है ना पीरियड्स का, इस प्रॉब्लम को ठीक करने में। तो गर्म पानी के साथ आप 1 चम्मच सौंठ के पाउडर डाल के, थोड़ा सा आप हनी या जगरी डाल सकते हो, नहीं हो तो चलेगा, लेकिन टेस्ट आपको बुरा लग रहा है तो थोड़ा सा जगरी आप डाल के इसे मिक्स करके आप दिन में 2 बार करके पियो, ये एकदम इरेगुलर पीरियड को रेगुलर करने का ज्यादातर अच्छा तरीका है। और मिल्क के साथ 1 चम्मच करके दालचीनी पाउडर आप खाने में, या आप मिल्क के साथ लेना नहीं चाहते हो तो भी अच्छा है, आप दालचीनी पाउडर को रेगुलर बेसिस अपने खाने में ऐड करो तो वो भी अच्छा होगा। और सौंठ के पाउडर और दालचीनी पाउडर, ये दोनों काफी अच्छा है आपके इरेगुलरिटी को मेंटेन करने में और ठीक करने में, पीरियड्स का जो इरेगुलरिटी है ना उसे रेगुलर करने में भी काफी आपको हेल्प करेगी। तो ये सारी चीजें आप एक बार करके देखो, आशा करूंगी हेल्पफुल रहेगी। और चीप तरीका तो है बर्थ कंट्रोल पिल, आप ले ही सकते हो, बर्थ कंट्रोल पिल का 3 महीने का कोर्स आपके सामने ही है, आप एक बार करके देखो, रेगुलर ना हो तो उसके बाद डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हो, या पहले भी जा सकते हो, डोंट वरी। लेकिन पीरियड्स मायने में 2 बार आने का कारण कुछ नॉर्मल सा है, लेकिन किसी किसी का ये नॉर्मल नहीं होता है, जैसे इंट्रोमेट्रिक प्रेगनेंसी पे भी ये दिखाई देता है बहुत ज़्यादा, तो एबॉर्शन होने का भी चांसेस होती है, प्रेग्नेंट आप हो तो मायने में 2 बार पीरियड्स आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आए, लेकिन आप प्रेग्नेंट हो गए हो, उसके बाद भी हो गए हैं, आप नहीं जानते, प्रेगनेंसी भी आ गए हैं, मिसकैरेज भी हो गए हैं, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, और ये थोड़ा कैंसर का भी सेल्स ग्रोथ हो सकती है। मेनोपॉज के टाइम में ऐसा हो रहा है, आपके उम्र 40 से ज्यादा है और 35-38 ऐसे एज में आप हो, या आप 15-16 में हो तो ठीक है, और उसके बीच में आप हो तो
ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करनी है, थोड़ा सा टेंशन के बाद आपके लिए है। तो गाइस ये था मेरे आज के वीडियो। प्रियस की कोई भी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम, कुछ भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। मेरे चैनल में ऑलरेडी ये सारे वीडियो है, मैं डालती हूँ कि आपको, इसीलिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे सब्सक्राइब करना है आपको, आप चाहते हो तो। और आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो प्लीज बाजू में जो बेल टिंग टिंग है ना उसे भी दबा के रखना, ये भूल अब मत करना, क्योंकि ये बेल टिंग टिंग आपके पास नोटिफिकेशन भेजते ही रहेंगे मेरे चैनल की तरफ से। आप मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपको तो कुछ मिलना चाहिए, इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखना। पैसा कोई भी खर्चा नहीं होने वाली है, ओनली इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, इसीलिए बेल को दबा के रखना। ये बेल आपके पास, ये घंटी बजा बजा कर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच देगा। तो चलो बहुत अच्छा रहा आज के लिए, इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।